योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यूजफुल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे टिक्कम शागे कंप्रेशर नंबर THK 1340 YCF। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस कंप्रेशर की पूरी डिटेल यानी कंप्रेशर का पूरा डाटा, जैसे कि BTU, एम्पेयर, पावर वाट्स, तेल कितना चार्ज कर सकते हैं आप इस कंप्रेशर में अगर ज़रूरत पड़ती है, वह इस कंप्रेशर का प्रयोग हम किस उपकरण में कर सकते हैं, यानी कि यह कंप्रेशर आप कितने लीटर तक के फ्रिज में लगा सकते हैं आसानी से, और मैं आपको अन्य बातें जिसे आप जानकर इस कंप्रेशर को अन्य कंप्रेशर की जगह आसानी से लगा सकते हैं या फिर इस कंप्रेशर की जगह अन्य कंप्रेशर को आसानी से लगा सकते हैं, इसी कड़ी में मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं। कंप्रेशर को टेम्परेचर के आधार पर कैसे जाने, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। उसी कड़ी में आगे दोस्तों यह वीडियो है, क्योंकि अगर आपको यह डाटा फाइंड करना आ गया तो आपको अगर जो कंप्रेशर किसी उपकरण में लगा है और वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा तो आप उसकी जगह किसी भी कंप्रेशर को आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन आपको इस डाटा के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए तभी आप यह कर पाएंगे। और इसी कारण से मैं सभी कंप्रेशरों का डाटा आहिस्ता आहिस्ता आपको दे रहा हूँ ताकि आपको डाटा के लिए कहीं इधर उधर ना जाना पड़े। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको दो चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपको इस डाटा को एनालिसिस करने में मदद करेगी। सबसे जो अहम डाटा होता है दोस्तों वो होता है कंप्रेशर की BTU, रेडिएशन कैपेसिटी का हमें पता होना चाहिए कि ये कंप्रेशर कितनी BTU का है, तभी आप किसी दूसरे कंप्रेशर से उसकी तुलना कर पाएंगे। लेकिन अलग अलग कंपनियों के जो कंप्रेशर होते हैं उन पर जो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी लिखी होती है दोस्तों उसकी कई इकाई होती हैं, लगभग 3 इकाइयों में आपको वो कैपेसिटी मिलेगी, BTU में मिलेगी या फिर KCLH में मिलेगी या फिर वाट में मिलेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर आकर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अगर किसी कंप्रेशर पर उसकी कूलिंग कैपेसिटी वाट पर लिखी हुई है तो हम उसे BTU में कैसे कन्वर्ट करें। इसका सीधा सा एक फार्मूला है वो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आपको उसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से वाट को BTU में कन्वर्ट कर पाएंगे या फिर KCL को वाट में या फिर KCL को BTU में कन्वर्ट कर पाएंगे। बहुत आसान फार्मूला है, आप इसे अपनाकर यह कार्य कर सकते हैं। दोस्तों जैसे मान लीजिए 1340 कंप्रेशर का ही मैं आपको डाटा एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, इसकी BTU दोस्तों 365 है। मान लीजिए इस कंप्रेशर पर BTU ना लिखा हो, इस पर वाट लिखा हो, मान लीजिए इस कंप्रेशर के वाट 107 हैं, कूलिंग वाट। दोस्तों कूलिंग वाट और पावर वाट अलग अलग होते हैं, कूलिंग वाट रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी होती है और जो पावर वाट है दोस्तों वो हमारा कंप्रेशर का जो मोटर होता है उसकी कैपेसिटी होती है। इसलिए आप सबसे पहले यह जान लीजिए कि जो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है वो आपको 3 इकाइयों में मिलेगी, BTU, KCLH और वाट के अंदर। अब मान लीजिए मेरे कंप्रेशर पर वाट लिखा हुआ है 107 कूलिंग वाट, तो अब मैं इसको BTU में कैसे कन्वर्ट करूँगा, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको 107 को अगर उसकी आपको BTU जाननी है तो 1 वाट 3.41 BTU के बराबर होता है। मैं फिर से दोबारा बता रहा हूँ, 1 वाट 3.41 BTU के बराबर होता है, आपको सिर्फ 107 को 3.41 से गुना करना है यानी मल्टीप्लाई करना है तो आपके BTU निकल आएंगे। और आप मान लीजिए अगर किसी दूसरे कंप्रेशर पर जिसे आपको इस्तेमाल करना है इस कंप्रेशर की जगह और उस पर वाट लिखा हुआ है कूलिंग वाट, तो आप उसको 3.41 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके BTU निकल आएंगे, क्योंकि 1 वाट 3.41 के बराबर होता है, 1 वाट 0.86 KCL हॉवर्स के बराबर होता है और 1 KCL 3.97 BTU हॉवर्स के बराबर होता है। मान लीजिए किसी कंप्रेशर पर KCL लिखा हुआ है उसकी कूलिंग कैपेसिटी को दर्शाने के लिए, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको 92 को 3.97 से आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको वो रिज़ल्ट मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी जो आपको डाटा एनालिसिस करने में काफ़ी मदद करेगी। इसके बाद अब हम करेंगे कंप्रेशर डाटा के बारे में बात, जिस कंप्रेशर का नंबर मैंने आपको बताया है, लेकिन
उसके पहले भी मैं आपको एक डाटा एनालिसिस करने में जो आपको मदद करती है वो बात भी आपको बताऊंगा आगे वीडियो में, वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कंप्रेशर डाटा के बारे में। दोस्तों इस कंप्रेशर का नंबर है THK 1340 YCF। यह टिकम शाह कंपनी का कंप्रेशर दोस्तों, और इसका जो रेफ्रिजरेंट है वो है 134C। यह लो बैक प्रेशर टाइप का कंप्रेशर है या लो टेम्परेचर टाइप का कंप्रेशर है, और इसका जो वजन है दोस्तों वो है 7.4 kg। जब भी हम किसी कंप्रेशर के डाटा को एनालिसिस करते हैं या उसकी जगह हमें किसी और डाटा को उससे तुलना करनी होती है, तो हमें इन डाटाज के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, तभी हम उस कंप्रेशर को उसकी जगह लगा पाएंगे अगर डाटा उससे मैच करता है, समकक्ष माइनस प्लस थोड़ा थोड़ा चल जाता है। तो सबसे बात पहले करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की, जो कि है इस कंप्रेशर का 4 cc। यह भी कई दो इकाई होती हैं इसकी, दो या तीन इकाई में इसको आपको मिलेगा, लेकिन हम बात करते हैं 4 cc। दोस्तों जो सीसी होता है वो एक कंप्रेशर की उस इंजन की पावर होती है, जो पिस्टन और जो हमारा मैकेनिज्म होता है जिसे हमारी वाइंडिंग मोटर चलाती है। जैसे हमारे बाइक वगैरह की जो पावर होती है इंजन की 100 cc, 125 cc या फिर 150 cc, ऐसे ही एक कंप्रेशर की पावर होती है जो हम डिस्प्लेसमेंट में मापते हैं। मान लीजिए 4 cc इस कंप्रेशर की पावर है, यानी कि इस कंप्रेशर का जो पिस्टन और सिलेंडर है, जो उसकी कैपेसिटी है, वो एक बार में कितने रेफ्रिजरेंट को अपने अंदर लेगी और कितने वेंट को पंप करेगी, उसी कैपेसिटी को हम यहाँ मापते हैं। उसी से कंप्रेशर के कम पावरफुल और ज़्यादा पावरफुल होने का डिसाइड होता है। यानी कि अगर मैं 1340 YCF की जगह किसी अन्य कंप्रेशर को लगाऊंगा, तो मेरे को 4 cc का कंप्रेशर ही होना चाहिए। उसका डिस्प्लेसमेंट जो होना चाहिए वो 4 cc का ही होना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए या फिर काफ़ी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह उस इंजन की, उस कंप्रेशर की कैपेसिटी होती है जिस उपकरण पर हमने इस कंप्रेशर को लगाया है, और उसी के हिसाब से ही सारी चीज़ें तय की गई हैं, उसकी कैपिलरी, उसका कंडेंसर, उसका एवेपोरेटर। इसलिए ये चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो पिक्चर में भी आप देख कर समझ पाएंगे, मेरी कोशिश यही है। अब हम दोस्तों बात करते हैं BTU की। इस कंप्रेशर की BTU है 365। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर आपको BTU नहीं फाइंड हो रही है उस कंप्रेशर की, उस पर कूलिंग वाट लिखा हुआ है, तो आप उसको उस फार्मूले से BTU में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर KCL लिखा हुआ है तो आप उस फार्मूले से उसको BTU में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि BTU भी हमें किसी कंप्रेशर को बदलने के लिए किसी और कंप्रेशर की जगह ज़रूरी चाहिए होती हैं। बात करते हैं एम्पेयर की। इसकी जो एम्पेयर दोस्तों वो है 0.8, और इसके जो पावर वाट है दोस्तों वो है 94 यानी कि 94। मैं बता चुका हूँ कि पावर वाट और कूलिंग वाट अलग अलग होते हैं। पावर वाट हम उस मोटर के देखते हैं जो मोटर हमारे उस पिस्टन को, सिस्टम को चलाती है, उस इंजन को चलाती है। सर्किट दोस्तों इसमें जो रिले का वो है PTC SIR। वोल्टेज दोस्तों यह 230 वोल्ट 50 एजर काम करेगा, और इसकी जो रेंज है वो 160 से लेकर 260 वोल्ट तक आपको मिल जाएगी। कंप्रेशर कूलिंग है स्टैटिक, यानी कि जो हमारे, जहां हमारा उपकरण रखा हुआ है उसके आसपास में जो हमें हवा उपलब्ध हो रही है उसी से ही हमारा कंप्रेशर कूलिंग होगा। ऑयल आप इसके अंदर डाल सकते हैं, 210 ml पोलिस्टर ऑयल इसके अंदर इस्तेमाल होगा। एवेपोरेटर का जो तापमान सीम है दोस्तों इसकी है -23.3 सेंटीग्रेड। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यह लो बैक प्रेशर, लो टेम्परेचर टाइप का कंप्रेशर है, इसलिए आप इसे ऐसे ही उपकरण पर लगाएंगे जिसके अंदर हमें डीपली टेम्परेचर चाहिए, यानी कि यह लो बैक प्रेशर टाइप का कंप्रेशर है। ULP इसके अंदर लगेगा 4TM189NFBYY53149499, यह इसकी ULP का नंबर है। रिले इसके अंदर दोस्तों लगेगी 8EA/7C ओब्लिक, आप दूसरी लगा सकते हैं IN026, ये इसके रिले के नंबर हैं। और जो सबसे मेन बात आप
पूछना चाहेंगे कि हम इसे कितने लीटर तक के रेडिएटर में आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप इसे 170 लीटर से लेकर 190 लीटर तक के डायरेक्ट कूलिंग वाले रेफ्रिजरेटर में लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी इतनी ही है और आप इसे इतने लीटर तक के रेफ्रिजरेटर में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो लंबा नहीं करेंगे, मैं आपको आगे टिक्कम शाह के और कंप्रेशन नंबरों के बारे में भी डाटा उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि आपको डाटा के लिए ज़्यादा सर्चिंग ना करनी पड़े और आप आसानी से किसी भी कंप्रेशर के डाटा को एनालिसिस कर सकें। वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिस भी टेक्नीशियन भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल सब्सक्राइब की वीडियो को लाइक करें। और मेरा एक चैनल मैंने टेलीग्राम पर भी बना लिया है, आप वहाँ जाकर भी मेरी वीडियो को देख सकते हैं। और आप मेरे को ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।